बेटा आ भी गया। ये 7 मिनट बनी बाकी, मुझे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेम व्लॉग बसमी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। जैसा कि मौसम बहुत अदला बदला हो रहे हैं, यानी कभी घटा आ रही है, कभी बहुत हब्स हो रहा है, यानी ह्यूमिड भी हो रहा है और घटा भी आ रही है, तो आज के दिन बहुत ज़्यादा घटा आई हुई थी और लग यही रहा था कि फ़ौरन ही बारिश आने वाली है। तो वही हुआ कि मैंने सिर्फ अभी मैं गई हूँ टेरेस पे और मैंने ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया और बस कमरे में आई हूँ और जैसे ही अपने कमरा समेटने लगी फौरन ही बारिश स्टार्ट हो गई, यानी समेटते समेटते ही बारिश स्टार्ट हो गई। आगे जाके मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि बारिशें तो हो रही हैं लेकिन बारिशें थोड़ी देर की हो रही हैं और उसके बाद फौरन हब्स हो जाता है। खैर, जब ये ब्लॉग आएगा तो उससे पहले एक तेज़ धुआंधार बारिश हो चुकी है पंजाब में, जिसकी वजह से लाहौर में सैलाब भी आ चुका है। लेकिन ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ये व्लॉग जो है 24 मुहर्रम के मुनासिबत से है। 24 मुहर्रम का व्लॉग मैं पिछले साल भी अपलोड कर चुकी हूँ और सारी डिटेल में बता चुकी हूँ कि 24 मुहर्रम को किसकी शहादत हुई थी, बल्कि 25 मुहर्रम को शहादत हुई थी और शब 24 जो है किसका ताबूत बरामद होता है और किसकी मजलिसें होती हैं, तो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ जो है इसके बाद जो है उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी लेने गए क्योंकि न्याज और नज़र भी करनी थी हमें और साथ साथ हमें मजलिस में भी जाना था और हमें ताबूत की भी ज़्यारत करनी थी जो कि हमारे मोहल्ले में बरामद होता है। लेकिन न्याज और नज़र के लिए वैसी नॉर्मल चीज़ें मैं बना रही थी और ये देखें ये हो रही थी बारिश। बारिश स्टार्ट हो चुकी है ना, तेज़ बारिश नहीं हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी बारिश होती है और उसके बाद हब्स हो जाता है और घटा इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग घटा आई हुई थी, बहुत ही हैवी घटा आई हुई थी कि लग यही रहा था कि बहुत ही ज़ारो कतार बारिश हुई थी होगी, लेकिन हुई नहीं थी, बहुत ही थोड़ी सी बारिश हुई थी और फिर उसके बाद हब्स हो गया था। क्योंकि ये दिन जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो ये है 24 मुहर्रम का ब्लॉग। तो बहरहाल जल्दी जल्दी मैंने अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट बनाया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, तो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट बना के खा पी के फिर आराम से हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ अपना वेजिटेबल चीज़ ऑमलेट और इसके अंदर मैंने सिंपली अपनी जितनी भी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं और ये आप अपना ऑमलेट डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो लोग डाइट कर रहे हैं और वो लोग भी ऑमलेट बना के खा सकते हैं। फ़िलहाल मेरी डाइटिंग नहीं चल रही थी, मैं हमेशा ऑमलेट इसी किस्म का खाती हूँ, मैं फ्राई एग भी नहीं खाती और ऑमलेट फुल ऑफ वेजिटेबल्स खाती हूँ। तो मैंने अपनी सारी फेवरेट वेजिटेबल्स इसके अंदर डाली थी, शिमला मिर्च, अपना कॉर्न्स और टमाटोज एंड प्याज चौपड़ी भी और फिर साथ में अपने दो ब्रेड टोस्ट ले लिए थे। फ़िलहाल आज के ब्लॉग में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि 24 मुहर्रम को क्या हुआ था और किसकी शहादत हुई थी, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन जो मेरे ब्लॉग में अभी नए आए हैं या ये कह दूँ कि मेरी YouTube फैमिली में नए मेंबर्स आए हैं उनके लिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा ये बता दूँ सारी डिटेल। तो 24 मुहर्रम को क्या हुआ था, 24 मुहर्रम को जो है यानी शब 24 मुहर्रम यानी 24 और 25 को ही हम शहादत बनाते हैं लेकिन मेन शहादत जो हुई थी वो 25 मुहर्रम को हुई थी। तो 24 मुहर्रम की रात में हमारे मोहल्ले में जुलूस बरामद होता है और दोपहर को मजलिस भी होती है हमारे मोहल्ले के इमाम बागा में, और वो होती है मजलिस मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे
और ये भी कर्बला में मौजूद थे, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब थी और अल्लाह की मर्ज़ी से इमामत इन्हीं के तवस्सुल से आगे बढ़नी थी, तो इसलिए जो है इन्होंने जंग नहीं की थी। लेकिन आगे का सफ़र यानी 11 मुहर्रम के बाद से जो सफ़र था वो काफ़ी नहायत ही दर्दनाक सफ़र था और सारे ज़ुल्म सितम अहले बैत पे हुए, यानी मर्दों में सिर्फ हमारे चौथे इमाम मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ही बाकी रह गए थे, जो कि ये हमारे चौथे इमाम थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद ये इमाम बने और इनसे ही इमामत का सिलसिला आगे हमारा चला। तो काफ़िला जो चला था 11 मुहर्रम को जब वो कूफा गया या शाम गया, तो मर्दों में सिर्फ मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम थे और बाकी सारी वो बीवियाँ थीं, क्योंकि जब खेमों में आग लगाई गई थी और उस उन खेमों में मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम भी थे और तबीयत उन काफ़ी नासाज थी, तो बीबी ज़ैनब जो हैं वो उनको खेमे से निकालने गई और फिर उनको बचाया गया मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को बीबी ज़ैनब ने, और इस तरीके से फिर ये काफ़िला आगे चला। और इस काफ़िले में आप सबको पता है मतलब 11 मुहर्रम के बाद मैं ये समझती हूँ कि 10 मुहर्रम तक तो जुल्म हुआ, लेकिन 11 मुहर्रम के बाद मज़ीद और जुल्म हुआ कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को हथकड़ी और ताक से उनको कैदी बनाया गया और सारी बीबियों को भी बेमकना चादर फिराया गया हर जगह, चाहे वो कूफा हो चाहे वो शाम हो। खैर मैं उन सारी डिटेल में नहीं जाना चाह रही, ये सब आप लोग को पता है और सबको और जिसको नहीं पता वो मजालिस में सुन सकते हैं, मसाइब में वो सुन सकते हैं कि अहले बैत के साथ क्या क्या हुआ। तो बहरहाल तो आज उनकी शहादत होती है, तो उनकी ही मनासबत से सबके यहाँ मजालिस होती रहती हैं और मौला सज्जाद के ताबूत बरामद होते हैं। तो हमारे मोहल्ले में भी ताबूत बरामद हुआ था हमारे मोहल्ले के इमाम बारगाह में, जैसा मैंने आपको कहा कि मजलिस हुई थी उसके बाद ये ताबूत बरामद होता है। और ये ताबूत माशाल्लाह से हमारे मोहल्ले में जितने भी शिया हैं इर्द गिर्द इमाम बारगाह में, तो ये वहाँ से निकलते होते हुए सारे उन घरों में जाके जाता है जिस तरह हमारे घर में भी आएगा, और इसी तरीके से यानी एक रूट होता है ताबू जुलूस निकलने का, तो उस रूट में जितने भी शिया घर होते हैं तो उनके घरों में ये ताबूत जाता है। तो हमारे घर में भी आएगा, तो मैं आपको एंड में उसकी भी ज़्यारत कराऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं ऑब्वियसली मैं हम लोग ये चाह रहे थे कि मैं पहले नियाज़ नज़र करा दूँ और उसके बाद जो हूँ मैं जाके मजलिस अटेंड करें और ताबूत की ज़्यारत करें। तो फ़िलहाल यहाँ मैं रेसिपी एक नई चीज़ बना रही थी, चिकन चीज़ कबाब, और उसके अंदर सिंपली मैंने जो जो चीज़ें ली वो आप लोगों को पहले दिखा दिए हैं। रेसिपी मैं ओरली अब बता रही हूँ कि इसमें अच्छा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मसाले डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने डाले वही आप डालें। मैंने जो इसके अंदर डाले सारे नमक मिर्च काली मिर्च गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अगर आप हों तो इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पेपरिका भी डाल सकते हैं, सॉसेस भी डाल सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन मैंने बस ड्राई मसाले इतने डाले। हाँ, वेजिटेबल्स मैंने बहुत डाली, प्याज डाला, टमाटर डाला, शिमला डाली एंड कॉर्न्स अपनी मर्ज़ी से डाले। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स की, और ये मैंने चिकन के बनाए थे, बीफ के नहीं बनाए थे। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ये बीफ में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने चीज़ की फिलिंग की, और चीज़ जिस तरह के आपने देखा होगा कि चीज़ मैं एक पैकेट लेकर आती हूँ और वो माशाल्लाह से एक से डेढ़ महीना चल जाता है मेरे घर में, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर में चीज़ की बहुत सारी चीज़ें बनती रहती हैं। तो ये फिर बन गए थे बहुत मज़ेदार से चिकन चीज़ कबाब। और इसके बाद हमारे घर में हुई नियाज। अच्छा, नियाज में मैंने और भी चीज़ें बनाई हुई थी, मैंने बनाया मतलब ग्रीन चिकन बनाई हुई थी, बिरयानी मैंने बाहर से मंगवा ली थी, साथ साथ पराठे थे, जूस थे और ये कबाब थे। तो अच्छा, फिर इन कबाब को मैंने जो फ्राई किया वो सिंपल फ्राई पैन में फ्राई नहीं किया, मैंने ग्रिल्ड फ्राई पैन में फ्राई किया। क्यों? ताकि मैं चाह रही थी कि इसके जो निशान आते हैं ग्रिल्ड के, तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और होते भी मज़ेदार हैं।
तो ये ग्रिल्ड, एक तरीके से ग्रिल्ड सैंडविच या ग्रिल्ड चिकन चीज़ कबाब भी आपके कहलाए जा सकते हैं। तो ये हो गए थे कबाब तैयार। अब हम लोग तैयारी कर रहे थे अपने नियाज़ो नज़र की, कि हम नियाज़ देकर फिर उसके बाद हम ताबूत की ज़्यारत करने जाएं और मजलिस अटेंड करें। अच्छा, मजलिस दोपहर में हो चुकी थी, फिर उसके बाद दोपहर से ये जुलूस बरामद होता है हमारे मोहल्ले में। तो अच्छा, हम मैं इस दिन जो है अपने रिश्तेदारों को बुलाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा वो लोग माशाल्लाह से कर्बला गए हुए थे, कर्बला की ज़्यारत करने गए हुए थे, तो इसलिए इस दफ़ा सिर्फ हम ही लोग थे और कोई नहीं था। तो इस तरीके से हमारे घर में नियाज़ो नज़र हो गई थी और इसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे अपने ताबूत की ज़्यारत करने के लिए। और वो एक जुलूस की शक्ल होती है पूरी, जिस तरह के हमारे मोहल्ले में ये चारों तरफ माशाल्लाह से इतनी रोशनी होती है। और इस दफ़ा हमें एक और काम करना था, क्योंकि ये मेरी अम्मी की मन्नत थी कि जानमाज़ें हमें यहाँ पे बांटनी थी, तो ये भी एक काम करना था। तो ताबूत बहुत ही खूबसूरत होता है, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। और इस ताबूत में आप अगर गौर से देखें तो जो तौक और जंजीरें भी होती हैं, तो वो उसी की शबी बताती हैं कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को, यानी जो कह सकते हैं कि शाम का सफ़र या कूफे का सफ़र में उनको कैदी बना के उनको लेके जाया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों का नाम हज़रत अली के नाम पर रखा, जैसे कि हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का भी नाम हज़रत अली इब्न हुसैन था, लेकिन इनको दो नामों से याद किया जाता है, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला को बे इंतहा सजदे किए, और इसी वजह से इनको ज़्यादा सजदे करने वालों का सरदार के लक़ब से याद किया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी इनको इसी वजह से कहा जाता है कि इन्होंने अल्लाह के लिए बहुत इबादत की, इसी वजह से इनको ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से भी याद किया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीवी ज़ैनब का जो सफ़र था, और इसी सफ़र में यज़ीद के जितने भी इरादे थे, तो वो बीवी ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुतबों से सारे के सारे ख़त्म हो गए। यानी कहा जाता है कि वाक़िया करबला, यानी 10 मुहर्रम से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था, और 10 मुहर्रम के बाद यानी 11 मुहर्रम से जब के काफ़िला चला, तो उसके बाद जो इम्तिहान था वो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का था। ये सारी डिटेल मैं अपने पिछले साल के व्लॉग में भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोहराती हूँ कि जो जो मेरे व्लॉग में नए आए हैं या मेरी फैमिली में नए शामिल हुए हैं, तो ये उनके लिए एक तरीके से एक नॉलेज थी। आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी और इससे इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। ज़्यारत करने के बाद फिर हम लोग सब घर आ गए, और उसके बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि मैंने उस वक्त खाना नहीं खाया था, बस उस वक्त यही था कि बस जल्दी से हम लोग ताबूत की ज़्यारत कर लें। फिर रात में जो है हमारे घर इस तरह ताबूत आया, अलम आया, और फिर हम सब ने इसकी ज़्यारत की। तो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में ये ज़रूर याद रखिएगा, और मैं यकीन है मुझे कि जो भी ताबूत की ज़्यारत करके मेरे इस व्लॉग के ज़रिए जो भी दुआ ज़रूर मांगेगा, तो उसकी यकीनन उसकी ज़रूर दुआ कबूल होगी। और हमारा ईमान तो यही है कि हम अगर सच्चे दिल से और सच्चे ईमान से अपने लिए दुआ मांगेंगे, तो वो ज़रूर दुआ कबूल होगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। और व्लॉग हाँ थोड़े थोड़े दिनों में आते रहेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, क्योंकि मजलिसें होती रहती हैं, तो इसकी वजह से व्लॉग काफ़ी गैप्स के बाद आएँगे, जैसे कि ये वाला भी आया है काफ़ी दिनों बाद। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।